नमस्कार दोस्तों, तो आ चुके हैं एक नई टॉपिक के साथ और आज हम जानेंगे डक्ट के बारे में और देखेंगे कि कैसे एक डक्ट हैंडल करती है रूम की कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट को और देखेंगे कुछ इसके एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स जो कि हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आगे चल के आपको वीडियो में हम दिखाएंगे इसका अंदर का पोर्शन और कुछ ऐसे पार्ट्स जो आपने शायद ही किसी वीडियो में देखे हों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये आप डक्ट देख रहे हैं ये है रिज टाइप रेक्टेंगुलर शेप में और जो बनी है गैल्वेनाइज्ड शीट से, आप जो देख पा रहे हैं। तो ये हर पोर्शन में कटआउट है या पीसीज में है, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके जो कि स्क्रू से ज्वाइंट किए गए हैं और इसको माउंट किया गया है ऊपर की दीवार पे। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर कहाँ पर ये माउंट और किया है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं इसको माउंट किया गया है ऊपर की दीवार पे हुक से, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है जब इसका एयर प्रेशर बढ़ता है तो ये इसका वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है इसका बाहर का पार्ट। तो देख लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है एचयू से स्टार्ट, जो कि है ब्लोअर से कनेक्ट, जहाँ से हमारी एयर का फ्लो बनता है और स्टार्ट होता है वाला पोर्शन। तो मैं आपको एचयू के अंदर से आपको दिखा देता हूँ ब्लोअर और कनेक्ट है जो हमारे डक्ट से। तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं। ये रूम से जो डक्ट आ रही है ये जा रही है हमारी एचयू के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है हमारा एचयू। अब दिखाते हैं आपको इनर पोर्शन। तो ये है एचयू का इनर पोर्शन और इसमें लगी है एक मोटर जो कि कनेक्ट है हमारे बेल्ट के थ्रू ब्लोअर से। ये आप सामने जो देख पा रहे हैं ये है इसका ब्लोअर और ब्लोअर कनेक्ट है ऊपर की साइड हमारे डक्ट से। ये आप जो ऊपर का पोर्शन देख पा रहे हैं ये डक्ट से कनेक्ट है ऊपर और ये है इसका ब्लोअर और ये है हमारा पूरा एचयू। अगर आप एचयू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके एचयू के बारे में जान सकते हैं, वहां पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है एचयू के ऊपर। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो ब्लोअर कनेक्ट है हमारी डक्ट के साथ, आप ये देख पा रहे हैं ये ऊपर जो जा रही है डक्ट है और यहाँ पर लगे हैं हमारे डैम्पर जो कि एयर के फ्लो को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है डैम्पर। आप देख पा रहे हैं इसमें इस साइड पर लिखा है ओपन, क्लोज से दिखा देता हूँ ये देखिए, और इस साइड के पोर्शन पे लगाया क्लोज, ये अभी ओपन है। इसका काम है एयर के फ्लो को कम ज़्यादा करना। अगर रूम में एयर का फ्लो कम चाहिए तो इसको हम बीच में कर देंगे या इसका जो हैंडल है क्लोज की तरफ को कर देंगे थोड़ा, जिससे कि एयर का फ्लो कम जाएगा और कूलिंग कम होगी। तो ये तो बात हो गई इस डैम्पर की जो एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है और ये जा रही है एयर की, ये जो हमारी डक्ट है ये जाएगी हमारे रूम की तरफ। और ये है एचयू के अंदर ही का पोर्शन, ये जो हमने खोल रखा है ये है डक्ट के अंदर जाने का पोर्शन जो कि अभी हम जाएंगे इसके अंदर। पहले इसकी बाहर की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे ये लगा है एक्चुएटर जो कि हमारा कनेक्ट है स्मोक एंड फायर डैम्पर से, और ये हैं इसके सेंसर जो कि सेंस करेंगे अगर इस एचयू रूम में अगर आग लगती है या कहीं से भी धुआं उठता है तो ये सेंस करेंगे। और जो ये डैम्पर है ये डैम्पर का वर्क है, इसके अंदर एक ग्रिल लगी होती है डक्ट के अंदर जो कि एयर के फ्लो को जाने से रोकेगी रूम के अंदर। और ये आप जो देख रहे हैं सामने ये वाली ग्रिल ये है रिटर्न की ग्रिल, जहां से एयर वापस आती है रूम में। इसके साइड पे भी एक डैम्पर लगा है जो कि इसको एक्चुएटर है। ये जो एक्चुएटर है वो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है और जो मैंने आपको पहले दिखाया था एचयू पे जो एयर फ्लो का डैम्पर लगा था वो मैनुअली है, उसको हाथ से हैंडल करना पड़ता है, उसको बंद और खोलने के लिए उसको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। और ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेट होता है जो कि अपने आप ऑटोमेटिक ग्रिल को बंद और चालू करता है। तो आ चुके हैं हम डक्ट के अंदर और इसके अंदर बहुत अंधेरा है, तो देख सकते हैं इसके ऊपर लगी है शीट और शीट के अंदर लगी है हमारी ग्लास वूल जो कि हीट एक्सचेंज को रोकती है, जिससे कि हमारी कूलिंग और हीटिंग दोनों बराबर रहती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये एक्चुएटर वाल्व से कनेक्टेड है, ये ग्रिल जो कि स्मोक डैम्पर से कनेक्टेड है आपको दिखाई थी जो बाहर वो है ये। तो ये जो ग्रिल है ये बंद हो जाएगी अपने आप अगर डैम्पर सेंस करेगा फायर या स्मोक को। तो ये है कुछ इसका अंदर का पोर्शन, ये ऊपर का पोर्शन है इसका और ये है इसका डैम्पर। और बात कर लेते हैं इस साइड की, तो देख पा रहे होंगे आप ये जो आप देख पा रहे ये लगे हैं हीटर इसके हीटिंग के लिए, ये हीटर इसी के अंदर लगे हुए हैं और ये जब हमें हीटिंग की ज़रूरत होती है तब इस हीटर को ऑन कर देते हैं, जिससे कि एयर से डायरेक्टली ये कॉन्टैक्ट में आके
हीटिंग इफेक्ट देता है। तो ये है हमारे पास 2000 वाट के या 2 किलोवाट के, 2 किलोवाट के हमारे ये हैं हीटर, जो कि हीटिंग इफेक्ट के लिए ज़रूरी हैं। और ये हैं इसके कनेक्शन, और यहाँ पर आपको एक सेंसर दिख रहा होगा, ये सेंसर है इसका जो कि सेंस करेगा हीटर थर्मोस्टेट के लिए। तो ये है कुछ अंदर का पार्ट, और इसमें अंदर बीच की तरफ में लगे हैं ग्लास वूल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हीट एक्सचेंज जिससे ना हो पाए। और ये हैं हीटर जो कि हैं 2 किलोवाट के, इसमें 3 आप ये आगे देख पा रहे हैं और 3 इसके पीछे लगे हैं। तो हम पे 3 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास है 9 हीटर। तो ये तो हो गई डक्ट के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज होता है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।